पूरा तैयारी है, हर जगह वो जश्न की तैयारी है, जिस जश्न को पूरा देश देखना चाहता है। हम सरकार को दिखाएंगे कि सरकार बनाकर की सरकार कैसे चलाया जाता है। तो हमको पूरा विश्वास है कि 2025 में आएंगे और सरकार बनाएंगे और सरकार को दिखाएंगे सरकार उनको अपने वादा पूरा किए हैं करेंगे। जैसे ही वापस निकलेंगे, कल से ही मिठाई बांटा जा रहा है, कल भी हम लोगों ने लड्डू बांटा। आपके बिहार सरकार में कई गो नेता है जिन पे मर्डर और बलात्कार केस है। मैं फरहत तब से और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। देखिए इस वक्त आरजेडी के जस्ट बगल में आरजेडी कार्यालय है, थोड़े से दूर में ही यहाँ पे कुछ लोग हैं, केक लेके जश्न मना रहे हैं, हल्ला हल्लू कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत कर रहे हैं कि इतना हंगामा किस चीज का है और किस चीज का खुशी मना रहे हैं। कोई हंगामा नहीं, देखिए पंकज भाई उधर मुस्कुरा के जा रहे हैं, हंगामा की बात नहीं है। देखिए एक यूट्यूबर बाहर निकला है, हाँ, जिसको लोग एक मिनट केक में क्या लिखा मनीष, अच्छा बर्थडे वगैरह है क्या उनका? नहीं नहीं बर्थडे नहीं है, बर्थडे रहता तो बर्थडे वाला बैनर हाँ, रहता। तो क्या बात है, ऐसे केक लेके आप रास्ते में क्यों सेलिब्रेट कर रहे? रास्ते में नहीं, रास्ता सड़क सरकार दिया है, हाँ, थोड़ा बहुत हम भी इसका ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जब सरकारी गाड़ियाँ आपको यहाँ से वहाँ तक नजर आ रही है, ये ऑथराइज है नहीं है? तो हम एक बाइक का जगह ले रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि जगह सेलिब्रेशन का कारण क्या है? सेलिब्रेशन का कारण है कि मनीष भाई बाहर आ रहा है, एक यूट्यूबर बाहर आ रहा है। आप भी यूट्यूबर है इसीलिए खुशी हो रही करेंगे क्या? हाँ आप भी यूट्यूब पे खबर प्रसारित करेंगी ना, तो आपके साथ भी कुछ होगा, खुशी का मौका तो मैं साथ रहूंगा और दुख के मौका में भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि उन्होंने गलती किया जिसके वजह से? बिल्कुल गलती किया, तभी कानून ने उनको घसीटा ना। अगर गलती नहीं करते तो कानून बेवकूफ थोड़ी है। कानून ऐसे नहीं किसी को घसीट लेता है। बात रहा कि कानून में पारदर्शिता की कि क्या गलती किया। अब एनएसए लगा, एनएसए हट गया आपको मालूम, तो एनएसए गलत लगा तभी तो हटा। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ रचा गया एनएसए जैसा मामला, और अगर एनएसए में सत्यता होती तो आज मनीष भाई बाहर नहीं निकल रहे होते और उसी के खुशी में आज हम केक काटेंगे। अच्छा एक सवाल करेंगे, आपने कहा ना कि वो यूट्यूबर है मैं भी हूँ, तो क्या अगर यूट्यूबर कुछ गलत करेगा तो उसके बावजूद भी आप सपोर्ट करेंगे क्योंकि मैं भी वही चीज हूँ, क्या ऐसा कुछ आप लोग का थिंकिंग है? नहीं मेरा थिंकिंग नहीं है ऐसा, पूरे देश और प्रांत का थिंकिंग है। एक नेता पे जब मर्डर केस लगता है तो आप उसको वोट देती है कि नहीं देती है? देती है कि नहीं देती है? आपके बिहार सरकार में कई गो नेता है जिन पे मर्डर और बलात्कार केस है, क्या आपने उनको इलेक्ट नहीं किया, उनको चुना नहीं, उनको नेता नहीं बनाया जी? तो एक गलती के लिए पूरी जिंदगी सजा थोड़ी दीजिएगा, अगर एक बार गलती उसकी सजा तो उसको मिल गई। तो आप मानते हैं जो गलती है वो सजा हो गया, अब उनको जो है बाहर निकल जाना चाहिए? तो हम मेरे मानने से क्या होगा, कानून ही उनको बाहर कर दिया। अच्छा ये बताइए क्या लगता है, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर निकलते ही वो पॉलिटिक्स में जाएंगे, राजनीतिक में जाएंगे, ये तो अब आप अभी आप माइक पकड़ी हुई हैं, हम बैलून पकड़े हुए हैं, कल को हम जाके कपड़ा का दुकान खोल लें आप हमको रोक लीजिएगा, और कल को आप माइक छोड़ के चले जाइएगा कहीं ऑफिस में काम करने लगी है तो हम आपको रोक लेंगे, नहीं रोकेंगे ना। तो मनीष भाई पॉलिटिशियन बने यूट्यूबर बने वो उनकी मर्जी है। चलिए आप एक और यूट्यूबर है, इनसे हम जानते हैं कि मनीष कश्यप बाहर आ चुके हैं, बेल हो चुकी, तो इतना खुशी आप लोगों को क्यों है? देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं कि आज जो मनीष कश्यप नहीं है, आज जो एक पत्रकार नहीं है, समझिए कि इस सदी के सबसे बड़े क्रांतिकारी बाहर आ रहे हैं। आज जब कोई भगत सिंह हो या जो भी क्रांतिकारी बाहर आते हैं तो उनका स्वागत कैसे होगा? क्रांतिकारी कहते हैं, हाँ वो क्रांतिकारी हैं, कहने की बात नहीं है, और सब कोई मान रहा है कि क्रांतिकारी है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस सदी का सबसे बड़े क्रांतिकारी बाहर आ रहे हैं, और जैसा क्रांतिकारी का बाहर आने पर स्वागत होता है वैसे हो रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और पूरा बिहार पूरा देश उनका स्वागत के लिए तैयार है, और आप देख रही हैं सामने क्या हो रहा है। तो क्या लगता है आप जब बाहर निकल रहे हैं तो कुछ अलग होगा बिहार में? हाँ देखिए आप 2025 के बारे में पूछ रही हैं, हम नहीं कहेंगे, खुद बता चुके हैं इस बात को कि हम सरकार को दिखाएंगे कि सरकार बनाकर की सरकार कैसे चलाया जाता है। तो हमको पूरा विश्वास है कि 2025 में आएंगे और सरकार बनाएंगे और सरकार को दिखाएंगे सरकार उनको अपने वादा पूरा किए हैं करेंगे। चलिए इनसे जानते हैं क्या लगता है कि एक पत्रकार को पत्रकारिता ही करना चाहिए कि पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए भाई मनीष का जो काम करने का तौर तरीका है वो बिल्कुल अलग है, आप उसे जब देखेंगे तो ग्राउंड पे वो वर्क करता है बंदा, और लोगों से अटैचमेंट ज़्यादा रखते हैं, वो हर ज़रूरतमंद के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं जितनी उनकी क्षमता थे, जितना उनके पास रिसोर्सेस था। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति चाहे वो पत्रकार में रहे या नेता बने, किसी भी रूप में रहे, वो लोगों की आवाज़ बने, लोगों की ताकत बनकर लोगों के लिए काम करें, यही सबसे बड़ी बात है। हमारे लिए या मनीष भाई के लिए मैटर नहीं करता है कि पत्रकार बनकर काम करें या नेता बनकर काम करें।
चलिए यहाँ पे एक और व्यक्ति है, क्या कहिएगा आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, इतना खुशी देखिए गर्दा तैयारी है पूरे बिहार में। ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना आपको दिखाई दे रहा हूँ, केक काट रहे ट्रेलर है, ये ट्रेलर भी नहीं इसे कह सकते हैं। सब जगह लड्डू बांटा जा रहा, गुजरात से हमको फोन आया, भैया हम लोग जितने मजदूर है यहाँ पे 500 kg लड्डू व्यवस्था किए हैं बांटने के लिए। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया में इनको लेकर के जश्न मनाया जा रहा है, एकदम गर्दा तैयारी है हर जगह, वो जश्न की तैयारी है जिस जश्न को पूरा देश देखना चाहता है। इस कश्यप के लिए जान हाजिर है हम लोगों का, जब वो निकलेंगे तो पूरा उनके लिए जो व्यवस्थाएं होगी पूरा भारत के लोग देखेंगे। उनके लिए जान हाजिर कर रहे हैं, उनको इतना मान क्यों रहे हैं? वैसे देखा जाए तो सरकार की नजर में वो दोषी है, लेकिन आप लोग उनसे क्यों इतना प्यार करते हैं? क्यों नहीं प्यार करें, सरकार की नजर में भले दोषी हो सकते हैं, हमारे नजर में वो एक भाई है। क्योंकि जो व्यक्ति ने बिहार की आवाज को बढ़ाया है, मान को बढ़ाया, सम्मान को बढ़ाया है, तो वो दोषी नहीं हो सकता है। वो कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य में जो है एक मसीहा बन सकते हैं, ये समझ लीजिए कि आने वाले भविष्य में ये बड़ी तैयारी है मनीष कश्यप का, तो दोषी हो ही नहीं सकते हैं। क्या लगता है कि वो पॉलिटिक्स में भी आएंगे? देखिए अब ये बिहार के लोगों को डिसाइड करना है, मतलब बिहार के लोग अगर चाहेंगे तो वो आ सकते हैं पत्रकार। बिहार के लोग अगर चाहेंगे कि रिलाय किंग वापस लौटे तो फिर उसी अंदाज में रिलाय किंग वापस लौटेंगे। बिहार के लोग चाहेंगे कि अगर पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन बन के वापस लौटे तो आने वाले भविष्य में हम चाहेंगे कि वैसे युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए जो बिहार की आवाज को जो है बढ़ावा दे सके, बिहार की आवाज को जो है बुलंद कर सके। चलिए यहाँ पे कुछ लोग थे, कुछ युवा थे, यूट्यूबर थे जो मनीष कश्यप के बेल को लेके काफी खुश है, और आप देख सकते हैं केक काटने के लिए तैयार है, उनकी खुशी में जश्न मनाने के लिए तैयार है। साफ तौर पे कह रहे अगर यहाँ की लोग, यहाँ की जनता अगर चाहेंगे तो मनीष कश्यप पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं और बिहार सरकार को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे बीटी न्यूज के साथ, मैं फरहत अफसा पटना।